वरिष्ठ प्रशिक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खोराबर थाने की पुलिस ने ग्राम रामगढ़ उर्फ रजही में जमीन व संपत्ति के लिए बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाले नाती राजू निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विष्णोई ने बताया, जनपद गोरखपुर में अपराधियों एवं अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आज खोराबर पुलिस द्वारा 30 मई की रात को एक गला घोंट कर 70 वर्षीय महिला की हत्या की गई थी। उस हत्या का सफल अनावरण आज खोराबर पुलिस द्वारा किया गया है। इसमें महिला राजवंती देवी, उसके पोते राजू निषाद को खोराबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद था। सर, इसके पहले भी उसके ऊपर कोई मुकदमे दर्ज हैं? राजू निषाद पर किसी प्रकार के कोई मुकदमे दर्ज नहीं है। पूछताछ में उसने बताया है कि उसके साथ में अन्य लोग भी थे, उन पूछताछ करके और अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। कुछ बरामदगी हुई है? गला घोट के हत्या की है, तो इसमें बरामदगी वैसा कोई आकर्षण नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनके मोबाइल, इसमें अपना आपस में बातचीत की थी, उन सभी मोबाइल को फॉरेंसिक के लिए जरूर बरामद किया गया। सर, परिवार के और कोई लोग इसमें शामिल नहीं थे? परिवार में हत्या से 5 दिन पहले आपस में लड़ाई हुई थी। राजवंती देवी के 7 संतानें हैं, इसमें 5 बहनें हैं, 2 भाई हैं, दोनों बेटे उनके दुनिया में नहीं है। 5 बहनों के बीच में लड़ाई हुई थी, इसी वजह से शक भी उन्हीं के आसपास गहरा रहा था। पोते को गिरफ्तार किया गया है एवं अन्य अभियुक्त